दीक्षा में आप सभी को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आप लोग वस्तुओं को तो गिनते ही होंगे, इसके लिए संख्याओं का आना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आइए देखें कार्यक्रम प्राकृतिक संख्याएं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अरे, तुम्हारे पास आठ गोलियां कैसे हो गई? हाँ जी, मेरे पास आठ गोलियां हैं, आप गिन के देख लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अरे, तुम्हारे पास तो आठ गोलियां हैं, तुम तो मुझसे जीत गए। हाँ, मैं जीत गया। गिनती गिनने का यही तरीका सबसे पहले शुरू हुआ। लोग ऐसे ही एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः करके गिनतियाँ गिना करते थे। गिनती लिखने की विधि बहुत बाद में विकसित हुई। गिनतियों को हम संख्याओं के रूप में लिखते हैं। चीज़ों या वस्तुओं को जिन संख्याओं के द्वारा हम प्रकट करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। जैसे एक, दो बच्चे हुए, एक, दो, तीन मैं भी हो गई तो मिलाकर तीन हुए। तो जिन संख्याओं के द्वारा हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं? देखो, तुम ये तो जान ही रहे हो कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक में एक जोड़ा, एक धन एक, दो, दो धन एक, तीन, तीन धन एक, चार, चार धन एक, पाँच। ऐसे हम जोड़ते चले जाएं तो प्राकृतिक संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। जैसे स्कूल के बच्चे, स्कूल के बच्चों की संख्या, या मेले की भीड़, फिर तुम्हारे सिर के बाल, या आसमान में तारे, इनको गिनना बहुत मुश्किल है। गिन सकते आसानी से? इनको गिनना मुश्किल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं इसी प्रकार गिनते जाएं, बढ़ाते जाएं तो अनंत होती। तुम लोगों को हिंदी और अंग्रेजी में संख्याएं लिखना आता है? हाँ, आती हैं। अच्छा, दोनों बच्चे चार दोनों भाषाओं में लिख के दिखाओ। शाबाश, दोनों ने बिल्कुल ठीक लिखा। अलग अलग भाषा में अंकों के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे ये हिंदी का चार है और ये अंग्रेजी का चार है। इन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्या को बताने वाला अंक संख्यांक कहलाता है। हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और ढंग से भी हम लोग संख्याएं लिखते हैं, जिसे रोमन लिपि कहते हैं। इस चार्ट में देखो, ये प्राकृतिक संख्याएँ तीन प्रकार से लिखी हुई हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, पचास और सौ। ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई संख्याएं पढ़ के बताओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, पचास, सौ। ठीक, तुम अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं पढ़ो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, पचास, सौ। इसके अलावा ये रोमन संख्याएं लिखी हुई हैं। इसमें से कुछ तो तुमने पहले भी देखे होंगे, इनको हम पढ़ते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ,
नौ दस पचास सौ। एक साथ बोलो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस पचास सौ। इनको लिखने का अभ्यास तुम लोग अपनी किताब से देखकर कर सकते हो। हाँ कर लेंगे। अब तुम समझ गए होगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। इन्हें हम एक संख्या रेखा पर इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसमें देख रहे हो कि एक सबसे छोटी संख्या है। एक से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। किसी संख्या के पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या और बाद वाली संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे पाँच से पहले चार है तो चार पाँच की पूर्ववर्ती संख्या है और छः पाँच के बाद है इसलिए छः पाँच की उत्तरवर्ती संख्या है। चार पाँच से छोटी है इसलिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि चार पाँच से छोटा है। ये छोटे बड़े का चिन्ह है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि सात छः से बड़ा है। इस चिन्ह की नोक जिस ओर होती है उस ओर छोटी संख्या लिखी जाती है और मुंह की तरफ बड़ी संख्या लिखी जाती है। चार छोटा है, नोक की तरफ चार लिखा गया है, पाँच दूसरी तरफ। यहाँ सात बड़ा है तो मुंह की तरफ सात लिखा गया है और नोक की तरफ छः लिखा गया है। ये छोटे बड़े के चिन्ह, ये छोटे बड़े का चिन्ह होता है। अब तुम इन संख्याओं में छोटे बड़े का चिन्ह लगाओ। हाँ तुम्हारे दोनों ठीक हैं। देखें तुम्हारा एक ठीक है और एक गलत है। इसमें 28 बड़ा है इसलिए चिन्ह इधर को लगना चाहिए। इसे ठीक कर लो। आज के समय में हर तरफ पर्यावरण का शोर है, पर अगर हम अपने पालतू जानवरों के विषय में अच्छी तरीके से जान लें, उनसे उचित व्यवहार करें तथा उनके द्वारा दी जा रही मदद को समझें तो हम काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही मकसद लिए हुए